राम राम किसान भाइयों, मैं अशोक रावल, गांव गोयला खुर्द, जिला पानीपत से। मैं 3 साल से जैविक खेती कर रहा हूं और जो 2,000 लीटर 2,500 लीटर की टंकी है इसमें अभी तैयार कर रहा हूं। 4 दिन का हो चुका है ये, अभी 3-4 दिन में और बन जाएगा। इसमें कूलर की मोटर लगी हुई है, इसे तैयार करता हूं मैं। और ये 3 ड्राम है वेस्ट कंपाउजर के, ये भी अभी 2 दिन में बनने के बाद बन जाएंगे। और 500 लीटर की टंकी दूसरे खेत रखी हुई है। ये मेरे ऑर्गेनिक गेहूँ है 306 जो 2 दिसंबर को बोए थे, बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गए। गेहूँ ठीक है, फुटाव भी ठीक है और अब तक इसमें कोई पानी नहीं दिया है। और एक नलाक करवाया इसका खुरपी से, देखो गेहूँ का फुटाव भी ठीक है। ये गेहूँ है 306 प्योर जैविक, 3 साल से मैं जैविक कर रहा हूँ। और इसमें 200 लीटर वेस्ट कंपाउजर, 5 किलो खल सरसों की और 10 किलो राख, ये सभी मिलाकर मैंने एक बार सिर्फ स्प्रे किया है। और मैं अब आपको घास दिखा देता हूँ पशुओं के लिए। ये जई है, बोई तो अभी थी ये बारिश के बाद, न इसमें कोई मंडूसी है, घास ठीक है। और अब इसमें करेले लगेंगे, करेले के लिए तैयारी की हुई है। ये करेले का बीज थैली भरी हुई है जो इसमें लगेंगे। और ये मेरा घास है बरसी प्लस जई। ये देखो 3 साल से इसमें भी कोई फर्स्ट DAP यूरिया कोई स्प्रे कुछ नहीं, सिर्फ वेस्ट कंपाउजर का ही प्रयोग किया है। धन्यवाद। जो मैं पानी के साथ डाल रहा हूँ और प्लस में वेस्ट कंपाउजर से तैयार किया हुआ पशुओं का गोबर का खाद भी डाल रहा हूँ जो पानी के साथ मिक्स होके जा रहा है। और ये मेरा वही कंपाउजर से तैयार किया हुआ गोबर का खाद है जो मैं पानी के साथ डाल रहा हूँ अभी। ये देखो ये पानी के साथ बह के इसका रस जो है वो जा रहा है पानी के साथ साथ। ये 1.5 एकड़ है गेहूँ जो मैंने 50% DAP यूरिया दिया इसमें। और अब अगले साल बिल्कुल प्योर जैविक हो जाएगा। और ये 500 लीटर अभी कोर पे दिया है कोर।